हेलो दोस्तों, वेलकम टू थ्री इडियट्स प्लस। मेरा नाम है हिमांशु और चलिए आज की वोकैब का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला वोकैब है आज लैंग्विड। लैंग्विड का मतलब होता है डल या नीरस, कैमोटाज कैमेटोज या डोपी। एंटोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक या विवेसियस। विवेसियस मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बता दिया है। अगर आप अभी के सब्सक्राइबर हैं या जल्दी आपने सब्सक्राइब किया तो आप हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देख लें, आपको काफ़ी सारे उसमें नए वोकैब्स मिल जाएंगे। तो विवेसियस का मतलब होता है लाइवली और ये अपोजिट है लैंग्विड का। विवेसियस का मतलब होता है जिंदा दिल। दूसरा है उशर। उशर का मतलब होता है उदय होना, राइज। सिनोनिम हो जाएगा राइज, एस्कॉर्ट, हेराल्ड या इनॉगरेट। नेशनल हेराल्ड केस, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, ध्यान रखिएगा। तो एस्कॉर्ट और हेराल्ड अच्छे वर्ड है। इनॉगरेट आपको पता ही है, राइज आपको पता ही है। एंटोनिम अबंडन, डेजर्ट या लीव। फ्रेंड्स, ये डेजर्ट वर्ड देख लीजिए कितनी बार कितनी जगह आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी सारे चीज़ों के सिनोनिम और एंटोनिम में आ चुका है, तो इसको आप एक बार ज़रूर देखिएगा डेजर्ट। क्वेरेंस्टाइन। क्वेरेंस्टाइन का मतलब होता है अलग होना, एकदम किसी भी चीज़ से अलग, सेग्रीगेट, आइसोलेट, डिटेन या सेग्रीगेट। एकदम आइसोलेट का मतलब जैसे क्वारंटाइन पर्सनालिटी, जैसे 10 लोगों के बीच आपके सारे दोस्त, 8-10 दोस्त बैठे हुए हैं, वो एकदम अलग बैठा हुआ है, तो वो क्वारंटाइन पर्सनालिटी या फिर सबसे अलग रहता हो। एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम, लिबरेट या रिलीज। हमारा जो अगला वर्ड है वो है क्वैश। क्वैश का मतलब होता है तबाह कर देना, किसी चीज़ को हरा देना, एकदम डिस्ट्रॉय, सैबोटेज। आपको ऊपर की वीडियोस में मैंने बताया होगा सैबोटेज, डिस्ट्रॉय। सिनोनिम डिस्ट्रॉय, डिफीट, एनिहिलेट या एक्सटिंग्विश। आप जब कभी हॉस्पिटल या फिर किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ऐसे किसी जगह जाते होंगे तो वहाँ पे आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखता होगा, अग्निशामक यंत्र। तो वही एक्सटिंग्विश का मतलब होता है दबा देना, पैसिफाई करना, और फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि वो आग को शांत कर देता है, तो इसीलिए एक्सटिंग्विश। एंटोनिम हो जाएगा एनलाइवन, प्रमोट, रेटिफाई और इनैक्ट। फ्रेंड, ये रेटिफाई बहुत आता है, एक रेक्टिफाई होता है, एक रेटिफाई होता है। रेक्टिफाई का मतलब होता है करेक्ट करना और रेटिफाई का मतलब होता है एक्साइट कर देना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। वैसे हो सकेगा, कोशिश करूँगा तो मैं आगे की वीडियो में, कोशिश क्या, मैं आगे की वीडियो में रेटिफाई और रेक्टिफाई दोनों को क्लियर कर दूंगा। हमारा जो अगला वर्ड है दैट इज नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है अनक्लियर, वेग, एमॉर्फस और एम्बिग्यूस। फ्रेंड्स, ये वेग है, इसको वोग मत समझ लीजिएगा, कल वाली VOGUE, उस वोग का मतलब होता है ओल्ड या आर्किक, और इस वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, एमॉर्फस या एम्बिगुअस। एम्बिगुअस फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एकदम, इसको ध्यान दीजिएगा। एंटोनिम हो जाएगा अपेरेंट, डिफेंट या ऑबवियस। तो दोस्तों, ये रहे हमारे आज के 5 वोकैब। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और कमेंट कीजिए। और ऐसे ही डेली वोकैब्स और स्टडी से रिलेटेड नए वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। Thank you. Thanks for your support and help. Have a nice day.